दोस्तों, अगर आपका भी मोबाइल बार बार किसी के हाथ में जाता है और आप चाहते हैं कि हमारे फोटोज या वीडियोज को कोई भी ना देख सके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वीडियोज या फोटोज को हाइड करेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने मोबाइल पर और आपको दिखाते हैं कि दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आप अपने फोटोज या वीडियोज को कैसे हाइड करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। और आप देखने के बाद जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करें, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अपने फोटोज या वीडियोज को हाइड करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे स्लैप कर देते हैं या एल्बम पे क्लिक कर लेते हैं। एल्बम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। हालांकि मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूंगा, जितने भी कंपनी के मोबाइल है वहाँ पे अलग अलग फीचर देते हैं, लेकिन सेटिंग कुछ ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन एल्बम का ऑप्शन मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, मान लीजिए कि वन नाम से मैं एक एल्बम बना लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब जिस भी फोटोज को हाइड करना चाहते हैं, या मान लीजिए मैं यहाँ से थोड़ा बैक कर लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पे वन नाम का दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ऐड आइटम का ऑप्शन दिखेगा इस प्रकार से। मान लीजिए मैं कुछ इस प्रकार के फोटोज को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, दो फोटोज को। अब हम इस पर ओके करेंगे, और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे दे रहा है कॉपी और मूव, कॉपी करेंगे तो वहाँ से कॉपी होके आएगा, लेकिन मैं मूव कर लेता हूँ ताकि वहाँ से एकदम हट जाए। अब आपको अगर मैं अपने कैमरे में लेके चलूंगा, तो आप देख रहे हैं मेरे कैमरे में फोटोज नहीं दिख रहा है। चलिए फिर से हम अपने एल्बम में आ जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से मेरी दो फोटोज आ गई है। अब हम क्या काम करते हैं, इस पर लॉन्ग टाइम तक प्रेस करते हैं और यहाँ पे मेक इनविजिबल लिख के आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा एल्बम जो है वो हाइड हो गया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी एल्बम नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अनहाइड करना, तो यहाँ पे दाहिने साइड में थ्री कॉर्नर पे जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे व्यू हिडन एल्बम, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे फिर से गैलरी में जाकर के हमारा ये एल्बम यहाँ पर आ गया है।